फिल्म इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से नागपुर पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें जर्मनी और महाराष्ट्र में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाकर मेक इन इंडिया का सपना पूरा किया जा सके, इस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया संकल्प मेक इन इंडिया के मद्देनजर जर्मनी और पुणे की कंपनी पिछले 17 सालों से उद्योग जगत में विकास के लिए कार्य कर रही है। अब महाराष्ट्र के साथ मिलकर इसे एक नया मुकाम देने के उद्देश्य से नागपुर से इसकी शुरुआत की गई। जर्मनी और पुणे की कंपनी लेट्स ब्रिज आईटी के संस्थापक और अध्यक्ष इरिस बेकर ने इसकी जानकारी यूसीएन को दी। Actually, we would like to. We have an MOU in place between our two states, Baden-Württemberg and Maharashtra, and we would like to foster this collaboration and fill it with life, because at the moment the MOU is a paper. And our task is to bring together the relevant businesses, to bring together the research and also the educational areas, so that we create on a short-term and mid-term basis also collaborations between those German and Indian institutions and business. नागपुर से होने के बाद पिछले 24 सालों से इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य करने वाले आशीष पंडित ने यूसीएन से बातचीत में बताया कि निश्चित तौर पर जब बाहर देशों की कंपनियां यहां आएंगी तो इससे हमारे देश का विकास बढ़ेगा, और अगर यहां के युवाओं में या इच्छुकों में कुछ अलग करने की चाह हो तो उन्हें भी इससे लाभ होगा और एक बेहतर विकल्प उनके लिए बनेगा। डेफिनेटली हो पाएगा कि 2-3 सेक्टर्स है जिसमें एक तो SME सेगमेंट जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ज़्यादा कोलैबोरेशन हो जाए वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ के यूथ के जो आइडियाज़ है जो कि इंटरेस्टिंग हो, जो कि उसको इंटरनेशनल स्टेज मिल जाए जहाँ पर हम लोग जाके हमारे आइडियाज़ को वहाँ प्रेजेंट कर सके और उसके ऊपर उसके आधारित कंपनियाँ फॉर्म कर सके, तो हमारे यूथ को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। सिमिलरली SME सेगमेंट ग्रोथ होने से, जॉइंट वेंचर होने से नौकरी की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती है जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में आगे जाए। जर्मनी और पुणे की यह कंपनी द स्टेट ऑफ बैडन उर्टेम्बर्ग जर्मनी अब महाराष्ट्र में भी बेहतर विकास की ओर बढ़ना चाहती है, जिससे विदेशों में होने वाली सुविधाओं से विदर्भवासियों को भी लाभ मिले।